हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम 21 सितंबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल देखेंगे। उसी के साथ हर सवाल से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट भी कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रूप में इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। सचिन देशमुख जी का हाल ही में निधन हुआ है, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सचिन देशमुख पास अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट से। मुंबई के क्रिकेटर सचिन देशमुख जी, जिन्हें मिनी गावस्कर के नाम से भी संबोधित किया जाता था, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑबिचुरीज में आपको सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखने रहते हैं, पहले मरने वाले व्यक्ति का नाम और उनका प्रोफेशन। हमारा दूसरा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मिस्टर अनिल धस्माना जी। फॉर्मर रॉ चीफ अनिल धस्माना हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ही विल रिप्लेस फॉर्मर आईबी ऑफिसर मिस्टर सतीश झा। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन टर्नर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में जॉन टर्नर जी का निधन हुआ है, वे किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका सही उत्तर है कनाडा के। एक्स कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जॉन टर्नर पास्ड अवे। तो बात हो रही है कनाडा की, तो अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है यहाँ की डॉलर, और एट प्रेजेंट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडियो। हमारा अगला प्रश्न है, टोयोटा हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर अर्बन क्रूजर? टोयोटा ने अपने अर्बन क्रूजर के लिए निम्न में से किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुष्मान खुराना जी को। Toyota has appointed Mr. Ayushman Khurana as its brand ambassador for urban cruiser. हमारा अगला प्रश्न है, recently which bank has launched a special gold loan scheme Vikas Laghu Suvarna? तो इसका सही उत्तर है Karnataka Vikas Grameen Bank. The Karnataka Vikas Grameen Bank has launched a special gold loan scheme Vikas Laghu Suvarna with a reduced interest rate. The Karnataka Vikas Grameen Bank is offering the product at a reduced rate mainly due to pandemic to provide easy and affordable credits to the customer at cheaper rates. Karnataka Grameen Bank की अगर हम बात करें तो वो एक इंडियन रीजनल रूरल बैंक है, जिसे स्पॉन्सर किया गया है कैनरा बैंक की तरफ से, और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है धरवाड़ कर्नाटका में। हमारा अगला प्रश्न है, Who among the following Indian cricketer is going to set up cricket academy in Jammu and Kashmir? निम्न में से कौन सा इंडियन भारतीय क्रिकेटर जम्मू और कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी शुरू करने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर है सुरेश रैना जी। सुरेश रैना जी, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित किया है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी लॉन्च करेंगे टू ट्रेन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स फ्रॉम रिमोट एरिया ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। हमारा अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आर्थिक स्पंदना ए लोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम? किस राष्ट्र ने आर्थिक स्पंदना नाम की एक लोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जारी की है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका राष्ट्र सरकार ने। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा हैज लॉन्च्ड आर्थिक स्पंदना स्कीम विच एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट लोन्स थ्रू वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। वहीं अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर यहाँ के बी एस येदियुरप्पा जी, और कर्नाटका के गवर्नर है वजूभाई वाला जी। हमारा अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन डिग्निटरीज विल इनॉग्रेट वैभव समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020? निम्न में से कौन से इंडियन डिग्निटरीज वैभव समिट इनॉग्रेट करेंगे 2 अक्टूबर 2020 को? तो इसका सही उत्तर है
नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट वैभव समिट। अगर हम वैभव को एक्सपैंड करें तो उसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने आई लीड 2.0 सर्विस लॉन्च की है? Which bank has launched iLead 2.0 services? तो इसका सही उत्तर है कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक इंट्रोड्यूस iLead 2.0 टू बूस्ट कस्टमर सर्विसेज थ्रू LMS। कस्टमर्स कैन इंक्वायर एंड गेट सर्विस रेंडर्ड थ्रू सिंपल मोड सच एज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS एंड मिस्ड कॉल। द करंट LMS इज अवेलेबल बोथ इन डेस्कटॉप एंड मोबाइल वर्जन्स। वहीं अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फॉर्मेशन हुआ था इनका 1 जुलाई 1906 में। कैनरा बैंक के MD और CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर और कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 21st of September, व्हाट इज इट्स थीम फॉर दिस ईयर? हर साल इंटरनेशनल सेफ्टी डे 21 सितंबर को मनाया जाता है, इस साल की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर है शेपिंग पीस टुगेदर। एवरी ईयर इंटरनेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st of September, दिस ईयर्स थीम वाज शेपिंग पीस टुगेदर। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।